सो so फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं लिबरल ह्यूमैनिज्म की या फिर ह्यूमनिज़म या ह्यूमनिस्ट लिटरेरी थ्योरी की ये तीन अलग अलग नेम्स हैं जो कि तीनों नेम्स एक ही थ्योरी के हैं तो मैंने इसलिए ये मेंशन किया है ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इनके बीच में सो so आज हम इस वीडियो में लिबरल ह्यूमनिज़म के किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं देख लेते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ह्यूमैनिज्म देन ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिज्म देन व्यूज ऑन सम फिलोसोफर ऑन ह्यूमैनिज्म उसके बाद में करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमैनिज्म इन लिटरेचर सो फ्रेंड्स माय नेम इज अफसर खान एंड यू आर वाचिंग स्कोरर 360 एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट सपोज़ अगर हमसे कोई पूछता है कि लिटरेचर हम क्यों पढ़ते हैं ये पूछने वाला कोई भी हो सकता है समटाइम्स हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं समटाइम्स हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं और इसका हमारा सिंपल सा आंसर होता है जो कि हमें हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है लिटरेचर और आर्ट हमें बेटर ह्यूमन बींग्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और हम उन्हें ह्यूमनिटीज़ कहते हैं और ये चीज़ें जैसे कि लिटरेचर आर्ट हमारी लाइफ के डिलेमास, हमारे ह्यूमन कल्चर को समझने और समझाने में हमारी मदद करते हैं और वी सिंपली सेज दैट ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ह्यूमन बीग्स और जो भी चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ में आती हैं जैसे आर्ट और कल्चर और, और बहुत सारी आर्ट्स की फील्ड हैं और वो हमें सोसाइटी में रहने लायक बनाती है और लिटरेचर में स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड लिबरल ह्यूमेनिज्म मतलब इंसानों की स्टडी को लिटरेचर में लिबरल ह्यूमनिज्म कहा गया आई होप आपको यहाँ तक एक आइडिया मिल गया होगा कि वॉट इज अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले एफ डी मॉरिस ने 1840 में इसके बारे में बात की थी ही टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज 1929 में, इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि टैक्स की क्लोज रीडिंग करनी चाहिए बिना किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है अगर हम किसी टैक्स की एक्सप्लेनेशन या उसकी एनालिस उस टैक्स के बेस पर ही करते हैं ना कि उस टैक्स के ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेस पर करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कोई एक पोएम है और हम उसे एनालाइज करना चाहते हैं तो हम उसे एनालाइज करते हैं उस पोएम के अंदर के एलिमेंट्स के बेस पर ही ना कि जिस राइटर ने उस पोएम को लिखा है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेस पर उस पोएम को एक्सप्लेन करें कि जब ये पोएम लिखी गई तो राइटर का क्या मूड था और उसकी क्या सिचुएशन थी या फिर किन सरकिस्टेंस में उसने ये पोएम लिखी इन सारी चीज़ों को छोड़कर टैक्स को टैक्स के बेस पर ही एनालाइज करते हैं इसके बाद में कुछ एक राइटर्स जैसे एफ लेविस क्यूडी रोज इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी इसके बाद में लिबरल ह्यूमनिज्म एक थ्योरी के रूप में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एग्जिस्ट हुआ अगर अब तक हमने जो डिस्कस किया वो थोड़ा मुश्किल होता है समझने में तो हम दोबारा कोशिश करते हैं इसको दूसरे तरीके से समझने में ह्यूमैनिज्म एजुकेशनल और कल्चरल फिलोसफ़ी है जो जनरली रेनासा से स्टार्ट होती है हालांकि इसको उस टाइम पर ह्यूमैनिज्म के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट था रैनसा में लेकिन इसको ह्यूमनिज़म के नाम से नाइनटीन सेंचुरी में ही जाना गया रहनासा पीरियड के जो फिलोसोफर थे उन्हें लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लव था और उनको इंटरेस्ट था ग्रीक फ़िलोसफी में और रोमन फिलोसफी में और ग्रीक और रोमन फ़िलोसफी का यूज़ वो प्रजेंट टाइम के यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम के टैक्स को एनालाइज करने या उसको क्रिटिसाइज़ करने में करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल यूटोपिया बाई सर थामस मोर जो कि पब्लिस होता है फ़िफ्टीन सिक्सटीन में इस वर्क में कोई सुपर एलिमेंट्स नहीं है इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ को दिखाया गया है कि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को किस तरह डेवलप कर सकते हैं किस तरह और बेटर बना सकते हैं और एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं मतलब जो चीज़ें ह्यूमन वैल्यूज़ को सपोर्ट करती हैं उसे डेवलप करती हैं या बैटर बनाती हैं उन्हें ही ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि लिटरेरी थ्योरी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ह्यूमनिज़म आता है चलिए इस थ्योरी को और आसान बनाते हैं हालांकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कभी नहीं होती इसको और डिटेल में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमैनिज्म एक ऐसा प्रस्पेक्टिव है जिसमें जो कुछ भी सुपर है या जो कुछ भी आउट ऑफ रीज़न है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो कुछ रीशनल है या जिसमें लॉजिक है उसको एक्सप्लेन किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल एनशियन टाइम में क्या होता था एनशियन टाइम में जो सोसाइटी है वो गॉड God, घोडेस या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ही ज़्यादा वैल्यू देते थे सभी लोगों को ये पता होता था कि गॉड को किस तरह से खुश करना है या देवी देवताओं को किस तरह से खुश करना है वो सब जानते थे पूरी सोसाइटी जानती थी कि गॉड को क्या चाहिए लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हमें क्या चाहिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को किन ह्यूमन वैल्यूज़ की ज़रूरत है या फिर किन वैल्यूज़ को हम बेटर करें जिससे कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें मतलब घोड गोड़, गोडेस या सुपर एलिमेंट्स को ही ज़्यादा तोज्जो दी जाती थी और ह्यूमन वैल्यूज़ को नेगलेक्ट किया जाता था अब देखते हैं कि कुछ महान जो फलोसफ़र हुए हैं उन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा है सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का एरिस्टोटल ने अपनी पूरी लाइफ क्रिटिकल मैनर में स्पेंड की ही इन्वेस्टिगेट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ ही आल्सो गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द एस्थेटिक सेंस मतलब उसने भी अपने वक्स में अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ किया उसमें उसने ह्यूमन वैल्यूज़ को बेटर बनाने की ही बात की इसके बाद में बात करते हैं हम डॉक्टर जॉनसन की डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड से थे और डॉक्टर जॉनसन एक क्रिटिक थे उन्होंने अपने एक वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर में मॉरल आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इसका मतलब है लिबरल ह्यूमनिज्म का आइडिया उनके वर्क का एक मेन आइडिया था इसके बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी ह्यूमेनिस्ट और ह्यूमनिज़म को सपोर्ट किया और हमको मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्कस में हर तरह के नोबल आइडियाज मिल जाएंगे उनके जो वर्क्स हैं वो पूरी तरीके से नोबल आइडियाज से भरे हुए हैं हे वी टॉक अबाउट द सम इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिज्म कि अगर हम टैक्स को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी क्लोज़ रीडिंग करनी चाहिए यानी कि उसकी क्लोज़ रीडिंग ही काफ़ी है यानी कि वो टैक्स अपने आप में काफ़ी है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए उसे एनालाइज करने के लिए या किसी भी टैक्स को बिना किसी प्रिजिस या पहले से बनी हुई कोई थॉट या माइंड सेट के एनालाइज नहीं करना चाहिए इसके बाद में आता है ह्यूमन नेचर जो कभी चेंज नहीं होता हमारी पैशंस हमारे इमोशंस सदा वैसे ही बने रहते हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं अपनी ज़िंदगी में और लिटरेचर एक कंटीन्यूस प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है और किसी भी लिटरेचर का पर्पस हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को इंहेंस करना होता है और हमारी लाइफ की वैल्यू व्यूज को प्रमोट करना होता है और यही पर्पज़ ह्यूमनिज्म का भी होता है सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अस हैव एन डे